सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जो मैच होने जा रही है, 27th मैच ओडीआई क्रिकेट आईसीसी वर्ल्ड कप का, ठीक है, उसके बारे में। ये मैच कहाँ पे होगी, पिच रिपोर्ट कैसा होने वाला है, वेदर रिपोर्ट कैसा होने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन मिल जाता है और एक टीम मिल जाती है और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक से ही आप ज्वाइन करें तभी आप हमारे ओरिजिनल चैनल पे पहुंच पाएंगे, नहीं तो हमारे नाम से कई सारे फेक आईडी बने हुए हैं वहां पे आप चल जाते हैं और वहां पे आपको प्राइम मेंबरशिप नाम से आपको कुछ भी मतलब बेचा जाता है और आप खरीदते हैं और बाद में आके कमेंट करते हैं हमें, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप चाहे हमारे लिंक से जाए, हमारे यहाँ सब कुछ जो है आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है, बिल्कुल फ्री, ठीक है। टीम से लेके सभी चीज़ें, अपडेट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये मैच जो है वानखेड़े स्टेडियम में होने जा रही है जो कि मुंबई में स्थित है, और वहाँ की पिच की बात करें तो पिच जो है बैटिंग पिच है, ठीक है। और वेदर रिपोर्ट की बात करें तो वेदर जो है क्लीन रहने वाला है, यहाँ पे बारिश होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन्यू स्टैट्स देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जो टोटल मैचेस प्ले हुए हैं अभी तक, तो यहाँ पे 8 मैचेस प्ले हुए जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने यहाँ पे 3 मैचेस विन करे और बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने 5 मैचेस विन करे, यानी कि यहाँ पे जो भी बॉलिंग फर्स्ट करेगा उसके विनिंग के चांसेस ज्यादा है, वो चेस करके जीत सकते हैं, ठीक है, बाद में। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें टॉस होने के बाद जो है जो बॉलिंग चूज करते हैं उसके जो भी प्लेयर है उसको आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें ज्यादा से सेलेक्ट करने की, ठीक है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एवरेज स्कोर, तो एवरेज स्कोर जो है 201 से लेके 234 तक जा सकता है, और हाईएस्ट टोटल की बात करें तो हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 438 बने हैं 4 विकेट के नुकसान पे, और चेज स्कोर की बात करें तो चेजिंग स्कोर यहाँ पे 284 है 4 विकेट के नुकसान पे, ठीक है। सो अब बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न की, तो 200 से नीचे जो है यहाँ पे 3 टाइम रन बने हैं, ठीक है, और स्कोरिंग बिटवीन 200 यानी कि 200 से 249 के बीच जो है यहाँ पे 2 बार रन बने हैं, और स्कोरिंग बिटवीन 249 एंड 299 के बीच जो है 1 बार रन बने हैं, ठीक है, और अबव स्कोर जो है 300 से अबव 2 बार रन बने हैं, तो ज्यादा चांसेस है यहाँ पे 200 से नीचे जो है बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं रन, लेकिन यहाँ 300 से ऊपर भी रन बने हैं 2 बार और 249 से भी बने हैं ऊपर 2 बार, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 300 से ज्यादा ही रन बन सकते हैं, चांस है, ठीक है, क्योंकि अभी जो ये पिच है बैटिंग पिच है और चेस करके जीतने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा बन रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें जो भी बॉलिंग फर्स्ट लेते हैं उसके प्लेयर्स को ज्यादा सिलेक्ट करने की, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा पॉसिबल प्लेइंग 11, ठीक है, तो जो भी प्रोबेबल प्लेयर खेले जाने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, एम लेबुशन, जॉस इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, पैट कमिंस, मिचेल स्टॉक, एडम जंपा और जॉस हेजलवुड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से प्लेयर हैं जो कि खेले जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड से कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर खेले जाने वाले उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा डेवन कॉनवे, विलियम, रेशी रविंद्र, डैरियल मिचेल, टॉम लथम, ग्लेन फ्लिप, मार्क चैपमैन, मिचेल सैंटनर, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, लोकी फर्गुसन, तो इतने सारे प्लेयर जो है आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं न्यूजीलैंड से, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हेड टू हेड मैचेस, जो भी हेड टू हेड मैचेस हुए हैं इन दोनों के बीच, तो टोटल मैचेस जो है यहाँ पे 11 हुए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 8 मैचेस और न्यूजीलैंड ने जीते हैं 3 मैचेस हेड टू हेड में, ठीक है। और रिसेंट मैचेस की बात करें पिछले मैचेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट 3 मैचेस में जो है 2 मैचेस विन करे हैं न्यूजीलैंड ने और 1 लूज करे हैं रिसेंट मैचेस की बात करें तो। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ऑस्ट्रेलिया ने तीनों के तीनों जो है विन करे हैं लास्ट 3 मैचेस की रिसेंट फॉर्म देखे तो, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते, तो यहाँ पे जो है ट्रम्प कार्ड प्लेयर आपको नजर आ रहा होगा, ये जो है आपको बहुत ही अच्छा खेल के दे सकते हैं, ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर आपको विन करा सकते हैं, GL SL दोनों ही विन करा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है विलियम, टॉम लथम, जॉस इंग्लिश,
एम लेवस्टन और यहाँ पे जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस, इसको जो है आप सारी टीमों में सिलेक्ट कर लेना। ये जो है ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आपको देने वाले हैं और एसएलजीएल दोनों ही विन कराने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टॉप सीवीसी जो है रिस्की सीवीसी के बारे में, जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाला है। रिस्क अगर आप लेते हैं तो आप जीएल विन करने के चांसेस जो है आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मिचेल मार्श, डैनियल मिचेल, मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल, ये जो है रिस्की सीवीसी है, रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन है, ठीक है। तो ये है सेफ जोन का सीवीसी, जो कि आपको जीएल में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्मॉल लीग में तो ये आपको विन करा सकते हैं। लेकिन जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, लाइक 49 आपने इन्वेस्ट करा तो 49 के 49 वापस आपको मिल जाएंगे या फिर 90 आपको मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से हल्के फुल्के, मतलब वो चांसेस हैं आपके ज़्यादा विन करने के नहीं, कुछ विन करने के। अगर आप सेफ जोन में खेलते हैं तो, और सेफ जोन से बाहर खेलते हैं थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो यहाँ पे आपको चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सेफ सीवीसी जो है वो है डेवन कॉनवे और डेविड वार्नर, आर रविंद्र और स्टीवन स्मिथ। तो कुछ इस तरह से है सेफ सीवीसी। सो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फिक्स कॉमन प्लेयर, जिसको आपको सारे टीमों में सेलेक्ट करना ही करना है। इसको अगर आप अपने टीमों में सेलेक्ट कर लिए, सारे के सारे टीम जितने भी, अगर आप 5 से 6 टीम बना रहे हैं तो 5 से 6 टीम में सारे के सारे टीमों में सेलेक्ट कर लिए। अगर इनसे ज़्यादा बना रहे, 20 टीम बना रहे हैं तो उसमें भी आपको सारे के सारे टीमों में सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है डेवन कॉनवे, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, रची रविंद्र और मिचेल स्टार्क। ये जो प्लेयर हैं ये आपको दोनों ही एसएल और जीएल दोनों ही विन करा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है, इनको आप अपने सारे टीमों में सेलेक्ट कर लेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जीएल रोटेटिंग प्लेयर आपको दिख रहा होगा, इसको क्या करना है कि अपने जितने भी जीएल टीम बनाए हैं, मान लीजिए आपने 20 टीम बनाया है या फिर 5 to 6 टीम बनाए हैं, तो सारे टीमों में आपको रोटेट करना है। जैसे आपने विलियम को एक में सेलेक्ट कर लिया, दूसरे में आपने टॉम लथम को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो किस इस तरह से आपने सेलेक्ट करके चलना है। जैसे विलियम को ड्रॉप करेंगे तो किसको लेके चलेंगे, टॉम लथम के साथ चल जाएंगे, टॉम लथम को ड्रॉप करेंगे तो जॉस इंग्लिश के साथ चल जाएंगे। इस तरह से करके आपको सारे टीमों में रोटेट करना है जीएल वाले टीम में। तो प्लेयर का नाम कुछ इस तरह से है, विलियम, टॉम लथम, जॉस इंग्लिश, एम लेवस्टन, ग्लेन फिलिप, जॉस हेजलवुड और लकी फर्गुसन। तो ये सारे प्लेयर हैं जिसको जीएल में आपको रोटेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा बेस्ट फॉर स्मॉल लीग और बेस्ट फॉर ग्रैंड लीग और बेस्ट फॉर डेथ ओवर बॉलर। तो बेस्ट फॉर स्मॉल लीग में आपको किसे सिलेक्ट करना है ताकि आप जो है एसएल टीम जो है विन कर पाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है, डेविड वार्नर, एडम जंपा, मिचेल सैंटनर और रची रविंद्र, इसको आप एसएल वाले टीम में सिलेक्ट करेंगे तो आप अच्छे खासे विन कर जाएंगे। एसएल आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका 4 प्लेयर जिसको आप एसएल वाले टीम में सिलेक्ट कर ही कर लेंगे तो आप विन कर जाएंगे एसएल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रैंड लीग की बात करें जीएल की, जो कि कैमरन ग्रीन, जॉस इंग्लिश, मार्क चैपमैन और ट्रेंट बोल्ट है, इसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसके साथ आपको रिस्क लेना होगा। अगर आप रिस्क ले रहे हैं, इन चारों को सिलेक्ट कर रहे हैं, रिस्क के साथ जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको आपने जितना इन्वेस्ट करा है उससे ज़्यादा ही आपको मिल जाए, ठीक है। आपने जितना सोचा है उससे ज़्यादा आपको मिल जाए, कुछ इस तरह से है। तो ये जो 4 प्लेयर हैं ये आपको ग्रैंड लीग विन करा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप बात करते हैं डेथ ओवर बॉलर की, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकाल के जो है आपको दे सकता है, पॉइंट दे सकता है, और आप वहाँ से जीएल और एसएल और मिनी जीएल सारे के सारे विन कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से है, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड और यहाँ पे लकी फर्गुसन और ट्रेंट बोल्ट, ये प्लेयर जो है आपको चूज कर लेना है बॉलर में, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकाल के देंगे और आप एसएल जीएल और मिनी जीएल दोनों ही, तीनों ही विन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, कैप्टन वाइस कैप्टन किसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्टीवन स्मिथ, मिचेल स्टार्क, डेवन कॉनवे, डैनियल मिचेल, मिचेल सैंटनर और डेविड वार्नर, इनको जो है आप अपने टीमों में सिलेक्ट कर लेंगे। जितने भी टीम आप बना रहे हैं, 5 से 6 टीम बना रहे हैं या फिर 20 टीम बना रहे हैं, सारे टीमों में आपको रोटेट करना है, सारे टीमों में, ठीक है। अगर आप रोटेट कर लेते हैं तो आपको विन करने से कोई नहीं रोक सकता, आपके विनिंग चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो आप इनको जो है सारे
चाहे SL हो या GL हो, सभी में आपको रोटेट कर लेना है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते। तो हमने यहाँ पे आपको बोला था कि एक टीम मिल जाता है और इस टीम में मिलते हैं आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन, वाइस कैप्टन। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करा है डेवन कॉनवे को, ठीक है, डेवन कॉनवे। फिर हमने बैटर में सिलेक्ट करा है डेविड वार्नर, मिशेल मार्स और यहाँ पे विल यॉन्ग को हमने सिलेक्ट करा है। मैक्सवेल और सेंटनर और रचि रविंद्र को हमने सिलेक्ट करा है ऑलराउंडर में। और बॉलर में हमने जॉस हेजलवुड, पैट कमिंस, ट्रेंट बोल्ट और हेनरी को हमने सिलेक्ट करा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है, आपका टीम पूरा का पूरा तैयार। आप चाहे तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। सो अब बारी है यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो चलिए कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेते हैं। फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तो आपको यहीं पे मिल गया होगा, कॉनवे और यहाँ पे मैट हेनरी, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिचेल मार्श और डेविड वार्नर, इन दोनों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ये आपके सेकंड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। यहाँ पे सेंटनर और यहाँ पे डेविड वार्नर को आप बना सकते हैं, ये आपके थर्ड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। रचि रविंद्र और यहाँ पे डेविड वार्नर को आप बना सकते हैं, ये आपके फोर्थ टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉनवे और रचि रविंद्र को आप बना सकते हैं, तो ये आपके फिफ्थ टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाते हैं। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर और बॉलर में। ऑलराउंडर और बॉलर में किसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं? तो ऑलराउंडर में हमने पहले ही ऑलरेडी बना चुके हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। तो यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल आपको दिख रहा होगा एक, और यहाँ पे जॉस हेजलवुड। हेजलवुड के जगह पे आप पैट कमिंस को ले सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन मैक्सवेल के साथ जा सकते हैं। तो ये जो है आपका हो जाता है सिक्स टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन। आप चाहे तो मैक्सवेल और पैट कमिंस को बना सकते हैं, या फिर मैक्सवेल और हेजलवुड को बना सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर ले बॉलर में, या फिर इन दोनों बॉलर को ही बना ले आप कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। अगर आप 6-7 टीम बनाते हैं तो, नहीं तो 6 बनाते हैं तो हम बोलेंगे मैक्सवेल और पैट कमिंस के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। सो कुछ इस तरह से है, आप चाहे तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन मिल गया होगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा चैनल का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और हमारा जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको मिल जाए बिल्कुल फ्री में टीम, ठीक है, बिल्कुल फ्री टीम मिल जाएगा। और कोई प्राइम मेंबरशिप हमारे यहाँ नहीं चलाया जाता है, तो आप इसे ज्वाइन कर लें। इंडियन यूट्यूबर दीपक जैन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगा, ठीक है। सो जल्दी से जाइए, जाके ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और हमारे कमेंट में मिलेगा पिन किया हुआ, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।